फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं मीटर गेज ट्रैक का, मैलानी से नानपारा के बीच में। कल दो इंजन और एक डिब्बे के द्वारा ट्रायल किया गया था, उसका वीडियो हमारे पास आ चुका है। और ये जो ट्रायल का वीडियो है ये फैज भाई ने बनाकर भेजा है। थैंक यू सो मच फैज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपकी बदौलत हम अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मीटर गेज ट्रैक पर हुए ट्रायल का वीडियो दिखा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फैज भाई। तो उस ट्रायल में दो इंजन और एक कोच लगा हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस समय जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लागू हुआ था, 23 मार्च से फिर से मैलानी से नानपारा के बीच में ट्रेनों का संचालन शुरू होना था मीटर गेज ट्रैक पर। लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ट्रेन बंदी लागू कर दी गई, इस वजह से ट्रेनों का संचालन फिर से रोक दिया गया मीटर गेज ट्रेन सहित। तो सामने देख सकते हैं आप, दूर दो इंजन और एक मीटर गेज कोच के साथ ट्रायल किया जा रहा है मैलानी से नानपारा के बीच में। और जैसे कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स तो प्रोवाइड कराई थी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस वजह से रेल सेवा बंद हुई थी, तो अगर आप लोग चाहो तो पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक एक स्टेप करके आपको पूरी जानकारी मीटर गेज से संबंधित दी थी मैलानी से नानपारा के बीच में। क्योंकि मैलानी नानपारा रेल लाइन का जो केस है वो लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंच गया था कि ट्रेन को क्यों बंद कर दिया गया था एकाएक, तो उसके बाद बहस हुई थी। बहस के बाद फिर ये तय किया गया था हाईकोर्ट के आदेश पर कि 23 मार्च 2020 से मैलानी नानपारा के बीच में फिर से रेल सेवा शुरू होगी। तो ये कटिंग मैंने लगा के रखी है एक दैनिक जागरण एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की, तो आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मीटर गेज ट्रायल का वीडियो? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।